Hello students, welcome to Unacademy Studios Bridge. Myself Sanjay Rathi, ex-IES. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डायोड एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स दैट इज गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इसरो राइट और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी माई सेल्फ संजय राठी एक्स आई एस I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like GATE, Engineering Services and PSUs. I have qualified Engineering Services exam 3 times in Electronics and Telecommunication branch and you can follow me on unacademy.com at the rate of Sanjay K. R. Rathi 27 jiska link yahan aapko niche diya hua hai. Right? To ye hai link iska. आप मेरी अनअकैडमी पर क्लास अटेंड कर सकते हैं अभी स्टार्ट होगा एनालॉग की क्लासेस वहां आप डेप्थ में देख सकते हैं मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं व्हाई अनअकैडमी प्लस ये क्वेश्चन होता है तो यहां अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा पहला अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे देयर इज अनलिमिटेड एक्सेस मेरी क्लासेस के साथ साथ जितनी भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं आप उनकी भी क्लास कर सकते हैं साथ में आपको मिलेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू इंक्रीज योर स्कोर और ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू क्रैक एग्जाम लाइक गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ओके तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे फ्रॉम क्वालिफाइड फैकल्टीज Then test series by the top educators, ये regular quiz होगा dedicated doubt clearing sessions होंगे downloadable sessions, videos and PDF मिलेंगे साथ में होगा real time interaction with the educators, means आप live session के साथ आप अपने doubts पूछ सकते हैं educator के साथ check कर सकते हैं तो अगर आप प्लान कर रहे हैं Unacademy Plus सब्सक्राइब करने का तो यूज कीजिए माई कोड दैट इज राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट ये है फैकल्टी मेंबर्स जो ऑलरेडी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं नाउ इट इज द इजिएस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जो मेट्रो में नहीं आ सकते गेट की तैयारी करने के लिए अब उन्हें देर नहीं करनी चाहिए गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए रीजन अगर आप गेट एग्जाम के बारे में जानते हैं इट इज कंडक्टेड बाय आईआईटी और आईएससी इज इट क्लियर तो इसका एक लेवल है और यहां लग जाते हैं 1.5 से 2 साल तैयारी करने में राइट तो जितनी जल्दी आप इसे स्टार्ट करेंगे उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे तो अब आप ऑनलाइन इसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसे लैपटॉप पर वॉच करेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे ये ऑफलाइन क्लास चल रही है आपको यहां दिखाई देंगे एडुकेटर यहां होगा कंटेंट और इस कंटेंट के बेस पर आप चैट कर सकते हैं अपने डाउट पूछ सकते हैं इंटरैक्टिव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर राइट तो आपको फील होगा बिल्कुल आप सामने हैं ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months जैसा कि मैंने पहले कहा कि गेट की तैयारी में लग जाते हैं अराउंड 1.5 से 2 साल तो मैं आपको रेफर करूंगा फॉर 24 मंथ्स तो 24 मंथ के लिए फी है 40,000 अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट देन द फी विल बी ओनली 36,000 और ये आपकी कॉस्ट आती है 50 रुपीज पर डे और उससे भी नीचे राइट तो और साथ में क्लासेस होंगी 10 to 12 hours पर डे नंबर ऑफ फैकल्टी से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे अगर आप इसे 1 year के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं देन द फी विल बी 25,000 अगेन यूज माय कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट तो यहां लिंक दिया हुआ है आप इसकी डिटेल निकाल सकते हैं यहां से अगर आप इसे मोबाइल पर लर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप देन वहां सब्सक्राइब कीजिए गेट पर ओके
तो वहां आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं. अगेन यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो. तो पहला जो वीडियो हुआ था उसमें मैंने बताया था डायोड के बारे में, राइट. वहां हमने देखा था आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड. फिर हमने देखा था लार्ज सिग्नल एनालिसिस एंड स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के बारे में, राइट. वहां हमने बताया था कि जो लार्ज सिग्नल एनालिसिस है वहां दो तरीके के लार्ज सिग्नल है. एक एसी लार्ज, राइट, इतना लार्ज कि जो 0.7 वोल्ट डायोड को ऑन करने के लिए चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. दूसरा था डीसी लार्ज, राइट. तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस एंड लार्ज सिग्नल एनालिसिस. उसके बाद हमने बनाया था पीस वाइज लीनियर मॉडल, राइट. आइडियल के लिए बनाया, प्रैक्टिकल के लिए बनाया. अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जो पहला वीडियो मिस कर गए हैं मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि वो वीडियो देखें, साथ में पूरा एनालॉग आपका प्रिपेयर हो जाएगा फॉर गेट 2020. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं. दैट इज द डायोड. 10 वोल्ट बैटरी है यहां, इज इट क्लियर. 10 किलो ओम रजिस्टर, 10 किलो ओम रजिस्टर, 10 किलो ओम रजिस्टर. सिंपल सा क्वेश्चन. यहां से हमें निकालना है I और यहां निकालना है V नॉट. फाइंड I एंड V नॉट. एज्यूम आइडियल डायोड. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके. अब क्या है, जब आपको बोला जाए एज्यूम आइडियल डायोड तो आप यहां पे पॉइंट देखिए, डायोड के पी साइड आपको दिखाई दे रहा है 10 वोल्ट एंड दैट्स व्हाई दैट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, ऐसा आपको लग रहा है. और अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ध्यान रखिएगा, तो जो डायोड से करंट जा रहा है दैट करंट शुड बी फ्रॉम पी टू एन साइड, मतलब यहां से यहां जाना चाहिए. इट मीन्स दिस करंट शुड बी पॉजिटिव. तो हम देखते हैं पॉजिटिव करंट के लिए. तो हमने माना लेट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस एंड देयरफॉर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. तो आप इस डायोड को शॉर्ट कर दीजिए तो आपके पास सर्किट दिखाई देगा. ये शॉर्ट 10K, 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 10, 10, and this is what? 10K, this is the 10 volt. Right? Now these two resistors are in series, sorry, parallel, to 5K, or this is in series, to 10 plus 5 is what? 15. So iska equivalent ho gaya aapka 5K, 10K, 10 volt. ओके तो बताइए अगर ये है कंडीशन तो व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, राइट. व्हाट इज द करंट गिवन बाय दिस बैटरी. तो करंट गिवन बाय दिस बैटरी इज लेट आई डैस. व्हाई आई डैस, क्योंकि हमने यहां पे देखा है आई, तो यहां से हमने एज्यूम किया हुआ आई. तो लेट ऊपर से हम मान लेते हैं करंट आ रहा है आई डैस. तो व्हाट इज द करंट गिवन बाय द बैटरी, आई डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15 मिली एम्पियर. व्हाई मिली एम्पियर, बिकॉज दिस टू रजिस्टर आर इन किलो ओम. तो इतना करंट ऊपर से नीचे आ रहा है. अब अगर ये करंट आ रहा है तो उसे दो सिमिलर पाथ दिखाई दे रहे हैं 10 किलो ओम 10 किलो ओम. तो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा. तो व्हाट इज द आई, आई इज नथिंग बट आई डैश बाय 2. यहां डिवाइड बाई कीजिए तो यहां हो जाएगा 5/15 मिली एम्पियर. दैट इज नथिंग बट 1/3 मिली एम्पियर. तो हमारा आंसर आ गया 1/3 मिली एम्पियर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
और फाइनली अगर हम वी नॉट निकाल रहे हैं तो दिस आई यहां से आपका करंट जाएगा, तो व्हाट इज द वी नॉट इज इक्वल टू 10 इंटू आई, दैट इज द 10 इंटू व्हाट 1/3 वोल्ट। ये आंसर 1/3 मिली एम्पियर इज द करंट, दैट इज द 0.333 एंड 10/3 इज द वोल्टेज। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। एंड हमने जो एजम्पशंस ली थी, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो करंट जो पी से एन साइड जा रहा है दैट शुड बी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव करंट आया है, इट मींस आवर एजम्पशंस इज करेक्ट। ये जो हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। तो बहुत ही सिंपल सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू। ओके, यहां दिया हुआ है आपको 15 वोल्ट, राइट, और यहां लगा हुआ है 10 किलो ओम का वन रजिस्टर, इज इट क्लियर, और यहां है 5 किलो ओम का वन रजिस्टर, 10 किलो ओम एंड व्हाट 5 किलो ओम इज अ रजिस्टर, यहां लगा हुआ है 10 किलो ओम का रजिस्टर और यहां लगा हुआ है 5 किलो ओम का रजिस्टर। ओके, अब जहां एक बैटरी है 10 वोल्ट की, हियर इट इज अ 15 वोल्ट, देयर इट इज अ 10 वोल्ट, अभी भी हमें सिंपल सा फाइंड करना है आई करंट थ्रू द डायोड, राइट। अब हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या नहीं है। यहां आपको 15 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, यहां आपको 10 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर यहां 15 वोल्ट की बैटरी है इट मींस दैट डायोड इज फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव साइड 15 वोल्ट है, नेगेटिव साइड 10 वोल्ट लगा हुआ है। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए रजिस्टर की सेटिंग अलग अलग, यहां 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, यहां 5 किलो ओम, देयर इज अ 10 किलो ओम। तो इस क्वेश्चन को फिर बनाना कैसे है, तो देखिए हम इस पे लगाएंगे थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम में इसे यहां से कट कर दीजिए, यहां कट कर दीजिए, अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। जब आपने इसमें थेवेनिन्स थ्योरम लगाना है तो आप इसे अलग कीजिए इस सर्किट को, यहां है आपका 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 15 वोल्ट। तो सबसे पहले आप यहां VTH1 निकालिए, तो VTH1 सिंपल वोल्टेज डिवाइड रूल, VTH1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इंटू 15, तो ये आ गया 5 वोल्ट। वोल्टेज एट दिस पॉइंट VTH1 इज व्हाट 5 वोल्ट। ओके, सेकेंड अगर आपको RTH निकालना हो तो आप 15 को जीरो कर दीजिए, तो यहां 5 किलो ओम, 10 किलो ओम आर इन पैरेलल, बिकॉज 15 को हमने जीरो बना दिया, तो व्हाट इज द RTH1 10 पैरेलल विद 5, दैट इज नथिंग बट 50/15 10/3 किलो ओम। याद रखिएगा यूनिट क्या, दिस आर इन किलो ओम। तो ये तो आ गया आपका पहला थेवेनिन्स। अब दूसरा हम बनाते हैं थेवेनिन्स यहां, इसके लिए टेन किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 वोल्ट, यहां हम निकालेंगे VTH2। व्हाट इज द VTH2? 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 इंटू 10, ठीक है, तो ये आया 10 तो ये आ गया आपका 100/15, राइट, दिस इज नथिंग बट 20/3, ठीक है ना, आप देख लीजिए 20/3 वोल्ट।
20/3 इज व्हाट 6.67 और यहां आया है ओनली 5 वोल्ट. अगर आप इसका भी आरटीएस 2 निकालेंगे तो 10 पैरेलल विद 5 अगेन ये आ जाएगा 10/3 किलो ओम. ओके आरटीएस निकालिया वीटीएच. अब मुझे एक बात बताइए, पॉजिटिव साइड जो वोल्टेज है वो आ रहा है 5 वोल्ट, नेगेटिव साइड जो वोल्टेज है वो आ रहा है 20/3 वोल्ट. ओके 5 वोल्ट एंड 20/3 वोल्ट, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव साइड का वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट पॉजिटिव साइड, एंड दैट्स व्हाई डायोड इज रिवर्स बायस्ड. तो देखिए बैटरी भले लगी हुई है लेकिन रजिस्टर के हिसाब से वोल्टेज डिवाइड रूल करना है. आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, इतना डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आप यहीं देख सकते हैं 5 × 15/15 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ. आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट आ गया और वहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं. यहाँ पर 10 × 10/15 100/15 इज नथिंग बट 20/3 दैट इज 6.67. ओके और आपका साफ साफ दिख रहा है यहाँ का वोल्टेज जो है VN है और ये है वोल्टेज VP. इफ द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इट मींस डायोड इज रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में आइडियल डायोड कैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, तो करंट इज जीरो. तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आई, राइट, एज्यूम आइडियल डायोड. अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है तो हमेशा आप एज्यूम कीजिए एज्यूम आइडियल डायोड. ओके तो ये था आंसर इसका, डायोड इज रिवर्स बायस. तो यहां देख लेते हम, VTH1 VTH2 VTH2 आया है 20/3 वोल्ट, VTH1 है 5 वोल्ट, ये है VP, ये है VN, साफ साफ दिख रहा है VP इज लेस देन VN, therefore डायोड इज ऑफ. And I is equal to 0. यह है आंसर. अब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि डायोड को रिवर्स कर दो आप, राइट, तो डायोड को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या होता, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए मैंने पोलारिटी चेंज कर दी, टेन वोल्ट 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 15 वोल्ट. अब जो आपकी पहली एजम्पशन है ना, पहला फर्स्ट आपको लगेगा कि यहां पर बैटरी 15 वोल्ट है, यहां बैटरी 10 वोल्ट है, नेगेटिव साइड में ज्यादा वोल्टेज है, पॉजिटिव साइड में कम वोल्टेज है, एंड दैट्स व्हाई लेट द डायोड इज ऑफ, लगता है ना, मतलब आपको स्टार्ट करना है. अगर एक डायोड है तो दो ही पोजीशन होगी, ऑफ या ऑन. अभी हम ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे, आइडियल डायोड है, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ नहीं है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के चांसेस नहीं है. जब तक वो ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला नहीं है तब तक डायोड ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स देगा या इन्फॉर्म करेगा. अगर सिंपल आइडियल डायोड बोला है तो दो पोजीशन होगी, ऑन या ऑफ, राइट, बस ध्यान रखिएगा. हम एक ही क्वेश्चन पर गेम खेल रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा ना, समझ आएगा कि कैसे बनाया जाता है. मैंने पोलैरिटी रिवर्स की है, पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद देखिएगा, यहाँ 15 वोल्ट लग रहा है, यहाँ मुझे 10 वोल्ट लग रहा है, तो मुझे लगा डायोड ऑफ है. जब भी आपको ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट द डायोड इज ऑफ. हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, स्टार्ट करेंगे लेट डायोड इज ऑफ. अब जैसे ही आपने डायोड को ऑफ माना, यहां आप फटाफट थेवेनिन्स लगाइए जैसा आपने पहले लगाया था, यहां कट कर दो और सॉल्व कीजिए 15, 10, 5 ग्राउंड, यहां निकालिए आप VN, बिकॉज दिस इज द VN. And what is the VN?
5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 वोल्ट. और फिर यहां निकाल लीजिए वीपी, ये है 5 10 10 वोल्ट, ये दिस इज द वीपी. तो हम यहां निकालते हैं वीपी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 दैट इज 100 बाय 15 अगेन 20 बाय 3 वोल्ट. सेम कैलकुलेशन यहां तक. तो अब आप देखिए साफ साफ दिख रहा है वीपी इज ग्रेटर देन वीएन. इफ वीपी इज ग्रेटर देन वीएन आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग. आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग and diode is forward bias, it is not reverse bias, it is forward bias. तो अब हमको यहां पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट I. आपको फिर से फाइंड करना था I, राइट. एज्यूम आइडियल डायोड, एज्यूम आइडियल डायोड. तो देखिए इतना सिंपल सा सर्किट है, आपको एज्यूम करना था, लेकिन आपको बैटरी देखकर लगता है कि डायोड ऑफ है. अगर आपको लगता है तो आप घबराइए मत, एज्यूम कर लो लेट द डायोड इज ऑफ. ऑफ करने के बाद एक चीज ध्यान रखिए, वीपी और वीएन निकालो, मींस पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. अगर वीपी लेस देन वीएन आता है तो आपके एजम्पशन सही है, जैसा कि पिछले बार में हुआ था. ये डायोड में वीपी इज लेस देन वीएन, डायोड इज ऑफ, खत्म. लेकिन अगर आपका आ जाता है वीपी ग्रेटर देन वीएन, इट मींस योर एजम्पशंस इज रॉन्ग. तो एज्यूम करने में आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, क्या करोगे भाई, दो ही तो स्थिति होगी, ऑन या ऑफ, आपको एज्यूम तो करना पड़ेगा. और एज्यूम में गलत हो गए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आपकी जो एजम्पशंस है वो सही आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गए नो प्रॉब्लम. अब आपने देखा कि आधा कैलकुलेशन तो आप कर चुके हो, अब डायोड ऑन है, अब क्या करो, RTH भी निकाल लो. यहां से आप RTH1 निकालो जैसा कि हमने पहले निकाला था. RTH1 के लिए ये, इसको आप जीरो कीजिए 15 वोल्ट, तो 10 एंड 5 पैरेलल में आ जाएंगे, तो RTH1 आ गया 10 पैरेलल विद 5, दैट इज द 50 बाय 15 एंड 10 बाय 3 किलो ओम. सिमिलरली 10 वोल्ट को जीरो कीजिए, अगेन आ गया 10 एंड 5 पैरेलल, व्हाट इज द RTH2, 10 पैरेलल विद 5, अगेन आंसर है 10 बाय 3 किलो ओम. आ गए दोनों, यहां का भी आ गया, यहां का भी हो गया, और आपने वीपी और वीएन निकाल लिया था. अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ये बात बहुत ही प्रिकॉशन से रखिएगा. अब आप क्या कीजिए, इधर लगाइए, राइट, ये सॉल्व किया था, इधर मैं लगा रहा हूं RTH1 और यहां एक बैटरी लग गई जिसका नाम है VTH1. फिर यहां लगाइए RTH2, जिसकी वैल्यू है 20 बाई 3 वोल्ट, ये होता है 6.67 वोल्ट. और यहां रखिए RTH2, व्हाट इज दिस, हमारा आया था 10 बाय 3 किलो ओम, राइट. वो देखिएगा 10 इंटू 5 इज 50 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज द 10 बाय 3, दोनों साइड का RTH सेम आया था, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 10 बाय 3 किलो ओम, 10 बाय 3 किलो ओम. अब मुझे बताइए डायोड की पोलैरिटी कैसी थी, ऐसी, यस. इधर बैटरी क्या है, ज्यादा है, इधर कम है, इसका मतलब दैट डायोड इज व्हाट, फॉरवर्ड बायस, और यहां एक करंट फ्लो करेगा आई फ्रॉम एन पी टू व्हाट, एन साइड. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आई, तो अब आई निकाल लीजिए, व्हाट इज आई, I is nothing but VTH2 minus VTH1 divided by 10 by 3, 10 by 3. Right? तो हम जनरल अगर लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे RTH1 plus RTH2. तो what is the I is equal to VTH2 20 by 3
माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टेन बाई थ्री प्लस टेन बाई थ्री, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन, थ्री थ्री कैंसल, टेन टेन ट्वेंटी, यह आ गया फाइव बाई ट्वेंटी, दैट इज वन बाई फोर, और वन बाई फोर है पॉइंट टू फाइव मिली एम्पियर, पॉइंट टू फाइव मिली एम्पियर. तो देखिए वो ट्वेंटी बाई थ्री दैट इज द फाइव वोल्ट, ट्वेंटी बाई थ्री वोल्ट करंट आ गया, राइट. तो ये है आंसर, पॉइंट टू फाइव मिली एम्पियर दैट इज द पॉजिटिव, और वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पी टू वॉट एन साइड. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम में भी ऐसे ही डायोड के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल. आइडियल डायोड 90% इसरो में भी आएंगे. आप बोलोगे सर इतना, देखिए बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, अगर कोई ड्रॉप निकाल देगा वोल्टेज तो क्या निकालना भूल जाएगा, आरटीएस निकालना भूल जाएगा, राइट. और उसको लगाएगा नहीं जब तक आउटपुट आएगा नहीं, तो आपको सॉल्व करना है तो वो बैटरी लगा लेगा डायोड, तो आपको वीटीएच भी निकालना है आरटीएच भी निकालना है, इट इज़ द इजिएस्ट मेथड. तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत तेजी से. दूसरा मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने चीज़ों को फ्रैक्शन में रहने दिया है. कैलकुलेटर आपके हाथ में होने से बड़ी दिक्कत होती है, आप 20 बाई 3 को लिखोगे 6.67, फिर यहाँ लिख दोगे 6.67, फिर रखोगे माइनस 5, फिर डिवाइडेड बाई 10 बाई 3 को आप लिख दोगे 3.33 किलो ओम, फिर इधर 3.33 किलो ओम, उसके बाद पूरा फ्रैक्शन उसमें आ जाएगा पॉइंट्स फॉर्म में, उसके बाद आप कैलकुलेटर ही कैलकुलेटर यूज करोगे. तो हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे बताइए यहाँ पर कैलकुलेटर की कहाँ ज़रूरत है, है कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत है यहाँ, नहीं ना. तो 10 बाई 3 आपका, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ओके. अब आप देखिए 10 बाई 3 आप अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. अगर आप गेट में जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, ईएस के प्री में तो वैसे ही कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, गेट में अलाउड है, वो भी वर्चुअल है, तो टाइम लगता है. तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए फ्रैक्शन में रहने दो, लास्ट में आप डिवाइड कर दो, लास्ट में आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं. बीच बीच में करेंगे तो आपका बार बार कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आता है, ये भी आप सीखिए. आजकल डेटा बड़ा ईजी देता है ताकि कैलकुलेटर की कम से कम जरूरत पड़े. 0.25 मिली एम्पियर इज द आंसर. तो ये मेरा क्वेश्चन था, दिस इज सॉल्यूशन नंबर वन. अब आप इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए, सेकंड मेथड है. पहले आप इस मेथड्स का यूज कीजिए, राइट. थेवेनिन्स लगाइए, लेट द डायोड इज ऑफ. ऑफ होने के बाद आपको पता चला ओहो ये तो ऑफ नहीं है, ये क्या है, ऑन है, कोई बात नहीं. ये तो निकालना पड़ेगा आपको VN एंड VP. उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं आप थेवेनिन्स का यूज़ करो. जब आपको एक बार पता चल गया डायोड ऑन है, तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा मेथड है लेकिन वो नेटवर्क है सिंपल सा. तो क्वेश्चन थ्री सॉल्यूशन टू, टेन किलो ओम, फाइव किलो ओम, टेन वोल्ट, फिफ्टीन वोल्ट, टेन किलो ओम, फाइव किलो ओम, करंट पूछा था यहां से आई, फाइंड आई, एज्यूम आइडियल डायोड. सेम क्वेश्चन है यहां, आइडियल डायोड. अब आप स्टार्ट कर रहे हो, लेट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस. मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में ही आपको लगा कि डायोड फॉरवर्ड बायस है, सपोज, तो आपने एज्यूम कर लिया लेट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस. जब डायोड आप फॉरवर्ड बायस मान लेते हो ना, तो आपको वीपी और वीएन नहीं निकालना है, आपको आई निकालना है, और दैट आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. मतलब पी से एन की तरफ जो करंट जा रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आपका जो आई है वो ज़्यादा होना चाहिए. तो देखिए हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो 15 है 10 है, तो आप लेट द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट. तो यहाँ से डायोड को शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट, टेन किलो ओम,
5 किलो ओम, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 किलो ओम ऊपर है इसमें, एंड दिस इज द 5 किलो ओम डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट। अब क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का? अब मुझे यहां से करंट निकालना है आई, राइट? तो मैं यहां से करंट अगर निकाल लूं आई वन और यहां चला गया आई टू, तो बताइए व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, ऊपर से आ रहा है आई, नीचे चला गया आई टू, इज इट क्लियर? तो आई माइनस आई वन, आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू व्हाट? आई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। तो मुझे आई वन एंड आई टू निकालना है। तो आप नंबर ऑफ मेथड्स लगा सकते हैं, मैं एक यूज करता हूं केसीएल। तो केसीएल में लेट यहां का हम वोल्टेज मान लेते हैं वी एक्स, अगर यहां वी एक्स है तो व्हाट इज वोल्टेज हियर? वी एक्स, शॉर्ट सर्किट है ना वी एक्स। अब आप लगाइए केसीएल एट वी एक्स एंड गेट द वैल्यू ऑफ वी एक्स। अगर आपको वी एक्स मिल गया तो आई वन और आई टू मिल जाएंगे, 10 माइनस वी एक्स बाई 15 बाई 5 एंड वी एक्स बाई 10 दैट इज नथिंग बट आई टू, राइट? तो वी एक्स के लिए केसीएल लगाते हैं तो आप क्या लिखोगे? वी एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहां आ जाइए वी एक्स, राइट, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 Vx minus 10 divided by 5 plus Vx by 10 is equal to 0। एक तरीका ये है, ओके okay? और एक लिख सकते थे आप KCL Vx minus 15 by 10 plus Vx minus 0 by 5 minus I, इज इट क्लियर? और वहां से लिखते वी एक्स माइनस 10 और फिर उसको इक्वेट करते, बात वही आ जाती, राइट? तो दो मेथड है, दोनों में से कोई भी एक यूज कीजिए। अब यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए 10, तो वी एक्स माइनस 15 प्लस 2 वी एक्स प्लस 2 वी एक्स माइनस 20 प्लस 10, तो वी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 0, 1 2 3 4 वी एक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 वी एक्स इज इक्वल टू, ये 10 0 हो गया, 15 और 20 दैट इज नथिंग बट 35। दिख रहा है? कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 2 और 3 और ये 4 सिली मिस्टेक्स हो सकती है। तो व्हाट इज द वी एक्स इज इक्वल टू 35 बाई 6 वोल्ट, व्हाट इज आंसर? 35 बाई 6 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? वी एक्स। अब आपको निकालना है I1 एंड I2, तो व्हाट इज द I1? 10 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 10 माइनस वी एक्स बाई 5, तो हम आगे लेते हैं इसे, दिस इज द वी एक्स हमारे पास आ चुका है 35 बाई 6, यह है 10, ये है आपका 10 वोल्ट वी एक्स, यहां से जाएगा आई वन, ये है आई टू और यहां से जा रहा है आई, आई इज नथिंग बट आई वन माइनस आई टू, व्हाट इज द आई वन? 10 माइनस वी एक्स दैट इज नथिंग बट 35 बाई 6 अपॉन 5 माइनस, व्हाट इज द आई टू? वी एक्स बाई 10, 35 बाई 6 अपॉन 10, राइट? तो आप यहां पे देखिए, फिर से मेरी कैलकुलेशन थोड़ा फ्रैक्शन में ही चलती है, 60 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 35 डिवाइडेड बाई व्हाट? 60। तो 16 माइनस 35 इज नथिंग बट 25 बाई 30 माइनस 35 बाई 60, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो बताइए व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? आई इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए 60, तो यहां हो गया 50 माइनस 35 दैट इज नथिंग बट 15 बाई 60, व्हाट इज आई? 1 बाई 4 मिली एम्पियर दैट इज 0.25 मिली एम्पियर। आंसर क्या है दोनों मेथड में?
आंसर सेम है, राइट। यहां भी आप देखिए इतनी मेहनत करने के बाद केसीएल लगाया आपने, वैल्यू निकाली आई वन एंड आई टू, वहां से भी आपका आंसर आया था 1/4.25 मिली एम्पियर, यहां से भी आपका आंसर आया है 1/4, दैट इज 0.25 मिली एम्पियर। आप देखिए इसमें थेवेनिन्स लगाते हो आप तो वेरी इजी, बहुत फास्ट बन जाएगा आपका ये दोनों वैल्यू निकाल के, VTH और RTH लगा के डायग्राम बनाते हो, बहुत तेजी से करंट आ जाता आपका। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन जिस कंफर्टेबल जिसमें आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे एग्ज़ाम में आएगा तो मैं एक बार ट्रस्ट करूँगा थेवेनिन्स पे, क्योंकि वो फास्ट हो जाता है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की भी गलत होने के भी चांसेस होते हैं। KCL का ध्यान रखिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दो तरीके से मैं लगा सकता था, मैंने इस नोड को एक लिया है तो मैंने लिख दिया Vx माइनस 15 Vx एंड सो ऑन। आप चाहते तो लिख सकते थे Vx माइनस 15 बाई 10 प्लस Vx माइनस 0 बाई 5 माइनस I, बिकॉज दिस करेंट इज इनकमिंग, पहली इक्वेशन इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखते Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस Vx बाई 10 प्लस I, बिकॉज ये आउटगोइंग है। माइनस I और प्लस I दोनों को आप इक्वेट करते या दोनों को आप ऐड करते तो यही इक्वेशन फिर से आ जाती, राइट। तो आप देख सकते हो वो भी ये था इसका, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। टेन किलो ओम, फाइव किलो ओम, 10 वोल्ट, दिस इज द 15 वोल्ट, दिस इज द 10 किलो ओम एंड दिस इज 5 किलो ओम। अभी डायोड ऑन है, हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, लेट डायोड इज ऑन। सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बस जो मैं बता रहा हूँ जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। KCL लिखने में कई बार ये होता है, हमने इसको Vx माना, इसको Vx माना, यहां से करंट आ ही आ रहा है, तो कई लोगों को KCL में कंफ्यूजन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो देखो एक क्या लिख सकते हो, Vx माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस Vx डिवाइडेड बाई 5, Vx डिवाइडेड बाई 5 माइनस I इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज इट इज अ इनकमिंग करंट। देन आप देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हो, Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस Vx बाई 10, दिस इज द Vx बाई 10 प्लस I, वाई प्लस I, बिकॉज इट इज आउट गोइंग करंट, सम ऑफ आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू वॉट 0। वी आर हैविंग द टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, वी आर हैविंग द टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, वॉट आर द अननोन्स, Vx एंड I। तो आप चाहो तो इन दो इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, आप इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे, ऐड कर लीजिए 1 प्लस 2, तो आपको जो मैंने ये इक्वेशन बोले थे वो आ जाएगी Vx माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस Vx बाई 5, राइट, ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसल, प्लस Vx माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस Vx डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये आ गई सेम इक्वेशन, राइट। तो KCL है, आप चाहो तो Vx सॉल्व मत करो, इन दोनों इक्वेशन में से Vx को हटा के डायरेक्ट क्या सॉल्व कर लीजिए I। तो बाय सॉल्विंग वन एंड टू, वन एंड टू वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I, वैल्यू ऑफ I, I इज इक्वल टू 1/4 मिली एम्पियर। ओके, ये भी एक मेथड हो गया। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लगा के एक बिल्कुल ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जैसे आपने अगर इसमें सुपर पोजिशन लगाकर बनाया तो एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए ये होता है कंसेप्ट बनाना, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक सैड्रन स्मिथ। एक ही क्वेश्चन से आपको नंबर ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका SSC JEE नीचे जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं वो भी बनेंगे, आपका गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो भी बनेगा। आइडियल पे आते हैं, अभी मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा जो बेस्ड है इस पर। तीसरा, आपको अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और इंप्रेसिव बना सकते हो, या आप इंटरव्यू में कैसे बता सकते हो, तो वो मैटर है, क्योंकि हर एग्जाम के बाद फाइनली इंटरव्यू तो होगा, तो इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है।
देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 3 का ही। दिस इज द 10 वोल्ट, दिस इज द 15 वोल्ट, यहां पर है आपका 10 किलो ओम, यहां है सॉरी यहां पे है 5 किलो ओम और यहां है 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम। अभी हमने देखा डायोड ऑन है, लेट डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। अब हमको निकालना है आई, फाइंड आई, एज्यूम आइडियल डायोड। राइट, अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे बनाना है हमें, तो पॉइंट समझिएगा। अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं सुपरपोजिशन, अप्लाई सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब है ये यहां आई दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आई वन एंड आई टू। I1 है लेट बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट एंड I2 है लेट बिकॉज ऑफ 15 वोल्ट। राइट, तो आप अगर डायोड को देखेंगे तो यहां डायोड है, एक करंट इधर जा रहा है I1 और एक करंट अगर इधर जा रहा है I2, तो मैं बोल सकता हूं I, तो मैं अगर मैंने ऐसा लिया है तो डेफिनेटली मुझे इस साइन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको लेना होगा माइनस आफ्टर सुपरपोजिशन, बिकॉज वन करंट की डायरेक्शन है पी से एन की तरफ वो प्लस आएगा और एक करंट मैंने लिया है एन से पी की तरफ तो वो माइनस आएगा, तो व्हाट इज द टोटल करंट, आई वन माइनस आई टू, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग ले रहे हैं आई इधर इस डायरेक्शन में, आई एंड दैट्स व्हाई आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, इक्वेशन नंबर वन। अब आपका डायोड ऑन है, देयरफॉर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, इसको डायोड को शॉर्ट करो और सबसे पहले आप 15 वोल्ट को जीरो ले लीजिए, लेट 15 वोल्ट टेंड्स टू व्हाट, जीरो। और यहां देखिए डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट और ये 5 और ये 10 आ जाएंगे पैरेलल में, 15 volt tends to zero. This is the 10 kilo ohm and what is this? 5 kilo ohm. ये है 10 volt की एक battery. यहां से जो current जा रहा है वो है I1. ये है superposition theorem. पहले एक battery को zero लीजिए फिर दूसरे को consider करेंगे. तो आप बताइए what is the current because of this I1? तो आप देखो बड़ा इजी निकाल सकते हो, पहले तो आप देखिए ये 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम तीनों आ रहे हैं पैरेलल में, 10 और 10 हो गया 5, 5 और 5 पैरेलल में आएंगे तो हो जाएगा 2.5, तो टोटल यहां से जो करंट निकल रहा है पहले उसे निकाल लेते हैं। राइट, एक मेथड ये है, एक मेथड है आप केसीएल लगाकर निकाल सकते हो, तो यहां से हम चलिए हम लोग निकालते हैं पहले आई डैश, तो यहां आ गया रजिस्टर, ये 10, 10, 5, 5, 5, 2.5, 5, 10 वोल्ट। तो व्हाट इज द करंट आई डैश, तो हम बता सकते हैं आई डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 7.5। राइट, दिस इज नथिंग बट आपका आ गया है 4/3, 4/3 मिली एम्पियर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। इज इट क्लियर, 4/3 करंट आने के बाद यहां देखिए मुझे करंट किससे निकालना है, ध्यान दीजिएगा मुझे करंट इधर निकालना है इस पॉइंट पे, तो करंट डिवाइड रूल, तो दिस टू रजिस्टर आर इन पैरेलल, व्हाट इज द 10/15 पैरेलल विद 5 इज नथिंग बट 20/3 किलो ओम, निकाल सकते हो 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई दिस, तो 20/3, तो ये आई डैश आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मुझे चाहिए आई वन, अप्लाई कीजिए करंट डिवाइड रूल, तो व्हाट इज द आई वन इज इक्वल टू, हमको निकालना यहां से, तो ये हो जाएगा आई डैश इंटू
20 बाई 3, सॉरी अगर हमें उससे इसके क्रॉस निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइडेड बाय 20 बाय 3 प्लस 10. तो व्हाट इज द आई वन इज इक्वल टू 3 ऊपर गया आई डैश इनटू 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20 50. आई वन इज इक्वल टू 3 बाय 5 आई डैश एंड व्हाट इज द आई डैश 4 बाय 3. तो 3 बाय 5 इनटू 4 बाय 3 कैंसल कैंसल 4 बाय 5 4 by 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? फ्रॉम P टू N एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? 10 वोल्ट बैटरी. क्योंकि हमने 15 वोल्ट बैटरी को क्या कर लिया था? जीरो. अब हम कंसीडर करेंगे 15 वोल्ट बैटरी. बी केयरफुल, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन. आपके काफी कंसेप्ट क्लियर कर देगा ये, राइट? कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है. देयर शुड बी नो सिली मिस्टेक्स. आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, हर किसी से होती है सिली मिस्टेक्स, राइट? बी केयरफुल. ओके, तो कैलकुलेशन यहां तक सही है हमारी. 4 बाई 5 मिली एम्पियर आया बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट बैटरी. अब निकालते हैं सेकेंड. लेट वी वन दैट इज द 10 वोल्ट टेंड्स टू जीरो. जब ये जीरो है तो यहां डायोड इसको हमने कर दिया जीरो. यहां पर है 10 किलो ओम, यहां है 5 किलो ओम, दिस इज द 10 किलो ओम, और यह है 15 वोल्ट, दिस इज द 10 किलो ओम 5 किलो ओम. अब आपको पहली बार तो एक डाउट आ जाएगा, सर डायोड तो ऑफ हो गया. नो, दोनों बैटरी एक साथ काम कर रही है, बस हमने सुपर पोजिशन लगाया है, डायोड को ऑन माना हुआ है. इसीलिए आप गलती नहीं करना, डायोड ऑन है, एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. बस आप इस डायरेक्शन में करंट निकालिए. आप बोलोगे सर पी की एन की तरफ, नो, डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. ये शॉर्ट सर्किट है अभी, तो करंट यहां जा रहा है. हमने शुरू में ही एज्यूम कर लिया है डायोड ऑन है, देयरफॉर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों करंट जाएगा. रिजल्टेंट निकालना है हमें, रिजल्टेंट करंट तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसे शॉर्ट कीजिए. तो जब ये शॉर्ट सर्किट है फाइव टेन फिफ्टीन टेन फाइव टेन फाइव पैरेलल में आ गए, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 20 बाई 3. इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिली मिस्टेक ना हो हमारी, टेन बाई फाइव दैट इज द 20 बाई 3 किलो ओम और 10 बाई 3 किलो ओम. तो छोटी सी मिस्टेक है यहां पे, हम करेक्ट कर लेते हैं. पहले हम चेक कर ले 50 बाई 15 दैट इज द 10 बाई 3 किलो ओम. यहां से थोड़ा सा करेक्शन कर ले हम लोग, नो इशू. बस फटाफट यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक सुधार ले हम. यहां तक आपका आ गया, दिस इज द 10 10 2.5 करेक्ट है यहां. राइट, तो यहां से आपका 10 बाई 3 ओके. I dash into 30 divided by 10, 30 plus 10, 40, 3 by 4 I. I dash. So what is the 3 by 4 I dash? 3 by 4 into 4 by 3 that is equal to 1 milliampere. So, देखिए मैंने कहा ना silly mistakes यहां थोड़ी थी. 10 into 5 राइट रजिस्टर, 10 इंटू 5 50, 50 बाई वॉट 15 दैट इज वॉट 10 बाई 3 किलो ओम. प्लीज अवॉइड द सिली मिस्टेक्स. हम लोग लगा रहे थे सुपर पोजिशन, वापस आ जाते हैं. यहाँ दोनों रजिस्टर की वैल्यू हो गई 10 पैरेलल विद 5 दैट इज 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 15 10 बाई 3 किलो ओम. नाउ वापस देखिए, यहाँ से एक करंट आएगा आई डैश,
मुझे चाहिए इधर जो जा रहा है आई टू, वॉट इज द आई टू, तो हम पहले इन तीनों रजिस्टर का पैरेलल निकालते हैं, 10 पैरेलल 5 5, इज इट क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 है, 5 है, 5 है, वहां क्या था, 10 था, 5 था, फिर 10 था, तो तीनों रजिस्टर ये पैरेलल में आ रहे हैं, 5 5 इज व्हाट 2.5, तो व्हाट इज द आई डैश, वोल्ट, 10, 10 पैरेलल विद 5, पैरेलल विद 5, ओके, तो यहां हो जाएगा आपका 10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2.5, तो दिस इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाई 12.5, व्हाट इज द 25 डिवाइडेड बाई 12.5, 2 किलो ओम, ओके, 5 5 का पैरेलल हो गया 2.5, 10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2.5, दैट इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाई 12.5, 2 किलो ओम, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 और 10, 12, राइट, दिस इज 2, तो व्हाट इज द आई डैश, आई डैश इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 12, 5 बाई 4, 3 से डिवाइड कर दीजिए, मिली एम्पियर। अब अगर 5 बाई 4 मिली एम्पियर करंट आ रहा है तो करंट डिवाइड रूल, तो व्हाट इज द आई टू, I2 इज इक्वल टू I डैश इंटू, हमें चाहिए करंट, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 प्लस 5 रजिस्टर, व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 बाई 5 का, 10 बाई 3, अगर आपको यहां से करंट निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो यहां आ गया आपका 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, I डैश इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 25, तो व्हाट इज द आई टू, 15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू आई डैश 5 बाई 4, 5 3, दैट इज द 3 बाई 4 मिली एम्पियर। तो देखो कैलकुलेशन, आप बोलोगे सर इतना इजी तो आपने थेवेनिन्स में बता दिया था, फिर आप सुपरपोजिशन लगा कर लंबा क्यों कर रहे हो, यस, उसमें एक मेथड है, एक नई इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो मैं आपको बताना चाहता था, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, राइट, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए। अब आप समझ गए कि 15 वोल्ट की बैटरी के कारण लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा है 3 बाई 4 मिली एम्पियर, 10 वोल्ट की बैटरी के कारण आपका राइट टू लेफ्ट करंट जा रहा है हाउ मेनी मिली एम्पियर, आपने सुपरपोजिशन लगाया था 1 मिली एम्पियर, किसके कारण करंट ज्यादा जा रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी के कारण ज्यादा करंट जा रहा है, तो अगर आप सुपरपोजिशन को आप कंप्लीट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर, 1 मिली एम्पियर, राइट, माइनस 3 बाई 4, व्हाट इज आंसर, 1 बाई 4 मिली एम्पियर, सेम, राइट, तो यहां भी कितना आया था 1 बाई 4 मिली एम्पियर, उससे पहले भी कितना आया 1 बाई 4 मिली एम्पियर, थेवेनिन्स लगाया था तब भी 1 बाई 4 मिली एम्पियर, फिर हमने केसीएल लगाया 1 बाई 4 मिली एम्पियर, और अभी हमने सुपर पोजिशन लगाया तब भी आया 1 बाई 4 मिली एम्पियर, तीन मेथड हो गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तीन मेथड, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। अब पॉइंट देखिए, मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं, अल्टीमेटली रिजल्टेंट करंट जो आई आया I1 माइनस I2 करने के बाद, अगर वो करंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब अवर एजम्पशन इज करेक्ट, राइट, तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट एक बैटरी के कारण लेफ्ट टू राइट, दूसरे के कारण राइट टू लेफ्ट, कैसा भी जा सकता है, रिजल्टेंट करंट जो आना चाहिए वो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो I यहां पर आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर अवर एजम्पशन इज करेक्ट, खत्म। अब इससे हमको इंफॉर्मेशन क्या मिली, सुपरपोजिशन इतना लंबा चौड़ा लगाया तो पॉइंट ध्यान देना, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी को, देखो दोनों बैटरी तो एक साथ तो ऑन कर नहीं सकते, मतलब दो बैटरी के यही तो दिक्कत है, अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी पहले लगाओगे फिर 15 वोल्ट की लगाओगे, भले आपका डिले 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, आपने एक 10 वोल्ट का स्विच लगाया, एक ने 15 वोल्ट का, तो जैसे ही आपने 15 वोल्ट का अगर पहले लगाया, उसके बाद अगर आप 10 वोल्ट लगा रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट,
लेकिन अगर आप 10 वोल्ट का पहले लगा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, 10 वोल्ट आपने लगा दिया, यहाँ से 15 वोल्ट नहीं लगाया, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई, और इस सिचुएशन में तुरंत डायोड से कितना करंट फ्लो होने लग जाएगा, 1 mA करंट फ्लो होने लग जाएगा। जबकि जब आप 15 वोल्ट और 10 वोल्ट को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो व्हाट इज द करंट थ्रू द डायोड, ओनली 0.25 mA, लेकिन वो तो 15 वोल्ट लगाने के बाद ना करंट कम हो गया, और जबकि ओनली 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो करंट कितना फ्लो कर गया, 1 mA। तो अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड, और अगर आपने आंसर लिख दिया 0.25 mA क्योंकि उससे उतना करंट फ्लो कर रहा है तो गलत हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा था। व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द डायोड, तब आपको सुपरपोजिशन से निकालना पड़ेगा आपका मैक्सिमम करंट किस कंडीशन पर फ्लो हो रहा है, और मैक्सिमम करंट फ्लो तब हो रहा है जब आप कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, 10 वोल्ट की बैटरी एलोन लगा रहे हो, उस समय 1 mA करंट फ्लो हो रहा है, तो रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 mA। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये हमारा जवाब मिला है बाय सुपरपोजिशन। ओके, तो हम लिखेंगे करंट रेटिंग ऑफ डायोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 mA, करंट रेटिंग ऑफ द डायोड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जब मैंने 15 वोल्ट लगाया तो यहां से 3/4 mA गया, वो सुपरपोजिशन में हमने डायोड को शॉर्ट माना हुआ है, तो वहां से आएगा 1 mA, इधर से उसका अपोज करेगा 3/4 mA, व्हाट इज द रिजल्टेंट, ओनली 0.25 mA। जब दोनों बैटरी एक साथ वर्क कर रही है, तो अगर एक बैटरी एट अ टाइम आप 10 वोल्ट पहले स्टार्ट कर दोगे तो यहां से 1 mA करंट जा सकता है, दैट इज द वर्स्ट सीन, दैट इज द मैक्सिमम करंट अक्रॉस द डायोड। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैं पूरे क्वेश्चन को घुमा रहा हूं आइडियल कंडीशन में, इतनी डेप्थ में आपको एक क्वेश्चन पे R&D करनी चाहिए। पूरे एक घंटे के वीडियो में मैंने आपको एक अभी बताया, एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवाता हूं, राइट, तो उसके बाद आपके बात समझ में आ जाएगी। तो ये था इसके बारे में, अच्छे से आप इसे बनाइएगा। अब ये है एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल डायोड पर बेस्ड है, एक आइडियल हो गया एक प्रैक्टिकल। देखिए, द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इन द सर्किट आर गिवन बिलो, द करंट इन द सर्किट इज, यहां पर आपको डायोड के अक्रॉस ड्रॉप दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, इज इट क्लियर, और ये इक्वेशन दी है करंट थ्रू द डायोड, और अगर डायोड के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है देन डायोड एक्ट एज ओपन सर्किट और 0 एम्पियर करंट जाएगा। तो यहां देखो कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 10 वोल्ट की बैटरी के कारण जो डायोड के क्रॉस ड्रॉप आने वाला है वो डेफिनेटली 0.7 वोल्ट से ज्यादा आएगा। भाई आप इसे मान लो एक बार ओपन सर्किट, देयर इज नो करंट, अगर नो करंट तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस 1 kΩ, 0, तो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द V, सीधा 10 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 10 वोल्ट है वो लार्ज सिग्नल है, वो सफिशियंट है इस डायोड को ऑन करवाने के लिए, पहली बात। तो इसका मतलब डायोड इज फॉरवर्ड बायस, सॉल्यूशन, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तो करंट की कौन सी इक्वेशन आएगी, ऊपर वाली। अब दूसरी बात देखिए, आंसर किस में दिया हुआ है, मिली एम्पियर में, यहां क्या लिखा हुआ है, एम्पियर, तो आप इसको बदल भी सकते हैं, तो I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000 कर दो, तो एम्पियर इज कन्वर्टेड इंटू व्हाट, मिली एम्पियर, तो ये हो गया मिली एम्पियर में करेंट, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 2V माइनस 1.4 mA। ये वाली रेंज तब काम करेगी जब डायोड के क्रॉस वोल्टेज है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 वोल्ट। आगे एक इक्वेशन I इज इक्वल टू यस, और डायोड इज फॉरवर्ड बायस, दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन अब आप यहां से लिख सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, राइट, तो आप देखिए, आप एक केवीएल लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 1I+V, राइट, और आपको I चाहिए तो आप बता सकते हो व्हाट इज द V, V इज इक्वल टू 10 - 1I, जहां से भी आप लिखना चाहो एक केवीएल लिखिए, 10 इज इक्वल टू 1 × I, 1 kΩ × I + V, KVL,
तो व्हाट इज द वी इक्वल टू, आप यहां से बता दे सकते हो 10 माइनस आई. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू. पुट टू इन वन, पुट टू इन वन, तो आपके सॉल्यूशन क्या है 10 माइनस आई, यहां रख दीजिए आई इज इक्वल टू 2v, 2 अंडर ब्रैकेट लिखिए 10 माइनस आई माइनस 1.4. दिस इज द वी, विलेन इज द वी, हमको आई चाहिए, पूछा क्वेश्चन में आई है तो हमने v को हटा दिया, इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया उसे 10 माइनस आई. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब आ गया आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 20 माइनस 2i माइनस 1.4, 2 प्लस 1 3i, 20 माइनस 1.4, तो व्हाट इज द आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 1.4 इज नथिंग बट 18.6 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 3 6.2 मिली एम्पियर, एंड दैट इज द आंसर 6.2 मिली एम्पियर डी. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया था पीस वाइज लीनियर मॉडल. यहां आपका जो आई है ना ये फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 2v माइनस 1.4 मिली एम्पियर. मीन्स व्हाट इज द स्लोप, 2 वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो स्लोप यहां पे हमको दिख रही है 2 और इंटरसेप्शन दिख रहा है 1.4. तो मैं इसका पीस वाइज लीनियर मॉडल बना सकता था. ये राइट आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा जो हमने लिखा 2v माइनस 1.4 मिली एम्पियर, वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.7 वोल्ट और आई इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर फॉर वी इज लेस देन व्हाट 0.7 वोल्ट. ये है आपकी इक्वेशन, मैंने एम्पियर को किस में कन्वर्ट कर दिया मिली एम्पियर में. नाउ दिस इक्वेशन आप अगर कंपेयर करोगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी at m slope, so what is the slope of the line m 2, this is the slope. यहाँ पर हम ले रहे हैं v voltage across the diode and यहाँ ले रहे हैं हम i. तो so m is the slope, y is equal to mx plus c और interception है minus 1.4. लेकिन 0.7 से पहले, 0.7 से पहले what is the current, 0. तो अब इसे अगर आप plot करोगे तो ये देखिए यहाँ पर एक break point है 0.7. अगर v इससे कम है तो करंट इज जीरो और v इससे ज्यादा है तो ये है लाइन. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ध्यान रखिएगा 2. तो ये है 2 द इट इज द स्लोप और ये है माइनस 1.4 राइट. तो ये है वैल्यू, ये क्वेश्चन था हमारा v माइनस 0.7 अपॉन दिस एंड सो ऑन. आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बनाने बोले तो आप इसको इस तरीके से बना दीजिए 0.7 राइट. और ये हाँ लाइन की स्लोप भी दिख रही है. व्हाट इज दिस अगेन पीस वाइज लीनियर मॉडल जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर वन में बताया था. तो ये था इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगेन सम क्वेश्चंस ऑन द डायोड और स्टार्ट करेंगे रेक्टिफायर. ओके तो हमारा जो मेन हमें समझना है एनालॉग चल रहा है तो हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स के बारे में, वहां हम लोग पूरा डिटेल में से पढ़ेंगे. इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जब डायोड के आप क्वेश्चंस बना रहे हो. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट. ओके उनकी उसकी क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पर. 25 आवर्स मैंने क्लासेस ली है जिसमें पूरा डायोड ट्रांजिस्टर मॉसफेट की फुल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वहाँ समझाई है. आप वहाँ देख सकते हैं, अपना डेप्थ में नॉलेज बढ़ा सकते हैं. साथ में उतना कंसेप्ट उतने कंसेप्ट के बाद अगर आप रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स बोलते हैं पढ़ते हैं तो बहुत ही आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा. इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो देखिए. हमेशा कैलकुलेटर पेन एंड कॉपी लेकर वीडियो अटेंड कीजिए क्योंकि ये मोटिवेशनल नहीं है, ये टेक्निकल वीडियोस है, इस बात का ध्यान रखिएगा. ओके और जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. तो देखते हैं हम.
तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. गिव योर फीडबैक कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच राइट एंड फॉर ऑल द एग्जाम्स वेदर इट इज अ गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी TTA, JTO, जितने भी सेक्शन इंजीनियर जितने और आने वाला है इसरो का एग्जाम, तो आप बी केयरफुल रहिए, क्वेश्चन समझिए. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट. अगले वीडियो तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक.